मलेशिया में 8 राज्यों में 2 सप्ताह पहले आई बाढ़ के कारण पाम तेल का उत्पादन और सप्लाई बाधित हो रहा है। इसके कारण पाम की फसल को भी नुकसान की आशंका है। इससे बाजार में दिसंबर का उत्पादन घटने का आकलन है। आपूर्ति की चिंता से पाम तेल में तेजी बन रही है। बर्सा मलेशिया एक्सचेंज पर मार्च डिलीवरी बेंचमार्क पाम तेल अनुबंध 3.56% बढ़कर 4,768 रिंगिट पर बंद हुआ। शिकागो और डालियन तेल में भी तेजी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी का माहौल है। इन सब का असर घरेलू तेल तिलहन बाजार पर देखने को मिला है। घरेलू बाजार में सोयाबीन की आवक में भारी कमी देखी जा रही है। रिफाइंड की घरेलू मांग फिलहाल कम देखी जा रही है। इसके बावजूद खाद्य तेलों की आपूर्ति में कमी के कारण हाजिर मार्केट में सोयाबीन तेल के भाव एक बार फिर 1200 के पार पहुंच गए। दरअसल मांग के अनुरूप आवक नहीं होने से तेजी को सपोर्ट मिल रहा है। अगले सप्ताह से रिफाइंड तेलों की खपत बढ़ सकती है, क्योंकि 14 जनवरी के बाद लगन सरा का सीजन शुरू हो जाएगा। कोरोना के लगातार केस बढ़ने से व्यापारी जरूरत से अधिक खरीदी नहीं कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने दिसंबर 2022 तक एक अन्य साल के लिए बिना लाइसेंस के रिफाइंड पाम तेल आयात करने की अनुमति दी, जिसका उद्देश्य घरेलू आपूर्ति बढ़ाना और खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाना है। लेकिन ना तो बाजार में आपूर्ति बढ़ी है और ना ही कीमतें कम हो रही हैं। सरकार के तमाम प्रयास एक के बाद एक विफल होते जा रहे हैं। इंदौर में सोया तेल बढ़कर 1200 से 1250 और मूंगफली तेल 1340 से 1350 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। दूसरी ओर यूएई ने भारतीय पोल्ट्री उत्पादों से आयात प्रतिबंध हटा दिया है। इससे पोल्ट्री उद्योग के साथ पशु आहार और सोयाबीन डीओसी वालों को मांग बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।